आप सभी का सफर इंडिया के नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं कमल और आज मैं आ चुका हूं दोस्तों हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार। तो दोस्तों यहां कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं और यहां किस तरह से घूम सकते हैं सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो है दोस्तों चार मीनार का मार्केट है जहां आपको हमेशा क्राउड देखने को मिलेगा। और इसी के दोस्तों पश्चिम दिशा में है दोस्तों मक्का मस्जिद जो कि यहां का बहुत ही फेमस प्लेस है। हैदराबाद पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ पहुँचने के लिए तीन मेजर रेलवे स्टेशन है, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, काचीगुड़ा, हैदराबाद डेक्कन। और इसके अलावा आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा फ्लाइट के माध्यम से भी आप यहां पहुंच सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से। ट्रेन का नाम है सिकंदराबाद एक्सप्रेस जो रायपुर से बनती है और हैदराबाद के सिकंदराबाद जंक्शन तक जाती है। रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही आपको 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको अच्छा सा होटल 700 से 1500 रुपये तक मिल जाएगा। इसके अलावा आप तो दोस्तों जो हमारा जो स्टे के लिए हम आए हैं राजा इंडिरियल लुनिया अतिथि ग्रह, जहाँ का किराया है लगभग एक दिन का 400 रुपये। और बजट से देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया जगह है और यहाँ गर्म पानी की भी सुविधा है, तो काफ़ी सारे सुविधाएं यहाँ भी हैं, लिफ्ट की भी सुविधा है। और मतलब एक नॉर्मल बजट में देखा जाए तो बहुत अच्छा जगह है अगर ठहरने के लिए आप लोगों के लिए। डे वन की शुरुआत हमने की हनुमान टेकड़ी के पास का स्थित प्रगति टिफ़िन सेंटर का लाजवाब ब्रेकफास्ट से। उसके बाद हम निकल गए हैदराबाद के फेमस चार मीनार की ओर। यहाँ लोकल घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आप ओला या रैपिडो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप टैक्सी के माध्यम से लगभग 100 रुपये में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से आप घूम सकते हैं। बेटर होगा आप टैक्सी करते समय डिस्टेंस ज़रूर चेक करें। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ के प्रसिद्ध वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस चार मीनार, जहाँ आपको जायके की खुशबू के साथ आपको सस्ती शॉपिंग और यहाँ की लाजवाब बिरयानी टेस्ट करने को मिलता है। चार मीनार में आप ऊपर भी जा सकते हैं जिसकी एंट्री फीस है 25 रुपये। चार मीनार आए तो यहाँ पता चला यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। चार मीनार 1591 में निर्मित तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह मोसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके निर्माणकर्ता मोहम्मद कुलुब कुतुब शाह को माना जाता है और इसके ठीक दक्षिण और पश्चिम में सबसे समृद्ध ग्रेनाइट वाला मक्का मस्जिद स्थित है। यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है। चार मीनार के ठीक नीचे स्थित है भाग्य लक्ष्मी माता का मंदिर। क्राउड और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ शाम ढलते जाता है वैसे वैसे यहाँ क्राउड बढ़ते जाता है। और ये देख सकते हैं इस तरफ पूरा मार्केट। तो यहाँ मार्केट में दोस्तों आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ कपड़े की, घड़ी, अलग अलग मोती की, फैंसी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगे, चूड़ियों के दुकान, रंग बिरंगे। चार मीनार के बाद हमने अपना रूट लिया यहाँ के प्रसिद्ध बिरला मंदिर की ओर, जो कि चार मीनार से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर आदर्श नगर में स्थित है। यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है जो पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ है, जहाँ से आप यहाँ के पर्वत पर भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन के साथ ही साथ हैदराबाद सिटी का पूरा खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। इसलिए इस प्लेस को विजिट करना ना भूलें। इस तरफ में दोस्तों आपका जूते चप्पल रखने का स्थान, जहां दोस्तों आपको जूते चप्पल रखने के साथ ही साथ दोस्तों कैमरा अगर या मोबाइल आ रहे हैं तो वो यहां आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो फोटोग्राफी जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहां से दोस्तों आपको हैदराबाद के चारों तरफ का जो खूबसूरत सा नज़ारा है वो भी देखने को मिलेगा वेंकटेश्वर मंदिर के साथ। बिरला मंदिर के बाद टैक्सी किराया 50 रुपये देकर हम पहुंच गए यहां के फेमस एनटीआर गार्डन की ओर, जो कि हुसैन सागर के ठीक सामने स्थित है। तो अभी मैं आ चुका हूं दोस्तों हैदराबाद के फेमस वन ऑफ द मोस्ट फेमस दोस्तों एनटीआर गार्डन का खूबसूरत सा गार्डन, ज़बरदस्त गार्डन है भाई। चलिए अंदर ले चलते हैं आपको। तो यहाँ का जो है दोस्तों एंट्री चार्जेस है 20 रुपये और 20 रुपये में दोस्तों यह जो जगह है पूरा फुल वसूल है। आइए दिखाते हैं दोस्तों यह किस तरह से है पूरा गार्डन। इस गार्डन में आपको खूबसूरत वाटर फाउंटेन, बड़े एवं छोटे बच्चों के काफ़ी सारे झूले
बहुत सारे एडवेंचर से भरी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ के मचान ट्री हाउस का भी आनंद ले सकते हैं। कितना है? तो ये है आपका ट्री ऑफ हाउस। इस तरफ सेल्फी लेते हुए मचान ट्री टिकट 70 रुपये पर हेड। तो अभी हम NTR गार्डन के मचान ट्री का टिकट ले चुके हैं, जहां हमें ऊपर से जाना है। देखते हैं कैसा रहता है यहाँ राइड। यहाँ सिंगल एंट्री भी है। इसके अलावा आप यहाँ लोकल सिटी घूमने के लिए आप मेट्रो ट्रेन का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें मिनिमम फेयर 10 रुपये से मैक्सिमम फेयर 60 रुपये में आप आसानी से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी घूम सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे विजिट किया विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी, जो कि सिकंदराबाद एक्सप्रेस से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फाइनली दोस्तों, यहां से हम टिकट ले चुके हैं और एक आदमी का चार्जेस है 1475 रुपये मात्र, मतलब टैक्स इंक्लूडेड है इसमें। इस फिल्म सिटी को घूमने के लिए एक दिन कम पड़ जाते हैं, इसलिए बेटर होगा आप सुबह 9 बजे से पहले ही रामोजी फिल्म सिटी पहुंच जाए, ताकि आप रामोजी फिल्म सिटी के सभी शो और एक्टिविटीज़ कवर कर पाए। फिल्म सिटी में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप यहां 1500 रुपये से 3500 रुपये में रूम्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको फिल्म सिटी का टिकट नहीं लेना होता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप रामोजी फिल्म सिटी की साइट में विजिट कर सकते हैं। रामोजी फिल्म सिटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। भाई अगर रामोजी फिल्म सिटी आ रहे हैं तो इस प्लेस को ना भूले। या जो प्लेस है, ऐसा लग रहा है भाई कि अपन फॉरेन में आ गए हैं। बहुत ही ताबड़तोड़ टाइप का यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे रामोजी फिल्म सिटी की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यह प्लेस हमने चौथे दिन सी सैलम मल्लिकार्जुन के दर्शन के बाद वापसी में विजिट किया। अगर आप हैदराबाद से सी सैलम मल्लिकार्जुन दर्शन करना चाहते हैं तो वह वीडियो जरूर देखें। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू है, जिसे 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुचार्य की याद में बनाई गई है। यह मूर्ति हैदराबाद के मुंचल गांव के शमशाबाद में स्थित है। यहाँ जो है लगभग रामानुजाचार्य के लगभग 2 बड़े मूर्ति हैं। एक जो मूर्ति है लगभग बड़ी मूर्ति जो 16 फीट की, जो सामने आप देख रहे हैं, और एक जो छोटी मूर्ति है वो लगभग 120 किलो सोने की बनी हुई है, जो कि अंदर विद्यमान है। इस मूर्ति का उद्घाटन श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में किया गया है। इस स्टैचू के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है। यह मूर्ति रामानुजाचार्य की प्रतिमा में 5 कमल पंखुड़ियां, 27 पद्मा, 36 हाथी और प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जबकि दूसरी मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में 120 किलो सोने से निर्मित की गई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, जो बैठने की मुद्रा में है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आपको अंदर का फुटेज नहीं दिखा सकता। अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो इस खूबसूरत प्लेस को विजिट करना ना भूलें। तो गेट नंबर 2 की ओर है आपका टिकट काउंटर, जहां से आपको दोस्तों अगर आप मोबाइल, सेल फोन या बैग लाए हैं तो दोस्तों आपको वहां जमा करवाना होगा, उसके बिना आपको आगे नहीं जा सकते। और उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको चप्पल जूते अगर पहन कर आए हैं अंदर, तो आप वो भी आपको यहां जमा करवाना पड़ेगा, जिसका टोकन मिलता है, उसके बाद आगे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।
निष्ठा शक्ति और सेवा के मूर्तिमान वीर हनुमान भगवान। छोटे बच्चे लोग मस्ती करते हुए मंदिर के बाहर। हमने विजिट किया हैदराबाद की मोस्ट पॉपुलर प्लेस वॉन्ड्रेला, जो कि हैदराबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का टाइमिंग होता है सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। दिन पहले बुक करते हैं तो यहाँ का फेयर लगता है 1060 रुपये। अगर आप तत्काल बुक करते हैं तो उसका फेयर लगता है 1200 रुपये। यह प्लेस एडवेंचर से भरा बहुत ही मज़ेदार प्लेस है, जहां आपको काफ़ी सारे एडवेंचर्स के अलावा यहां का खूबसूरत बड़ा वाटर पार्क भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नाइट पार्टी, डीजे, पब पसंद करते हैं तो आप यहां के प्रोस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। यहां का जो पूरे इंडिया में मशहूर है तो वहां भी आप विजिट करना ना भूलें। हैदराबाद विजिट करने के लिए कम से कम आप 4 दिन का प्लान करें। वैसे तो यहाँ लोग 12 महीना आना पसंद करते हैं, पर मोस्टली यहाँ सितंबर से जनवरी में विजिट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।